हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन जरूर जाने। और आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि आपके फ़ोन में एक बहुत ही ज़्यादा कमाल का ऐप आया है जिसका नाम है जियो रेल। आज की इस वीडियो में मैं इस ऐप के बारे में पूरा डिटेल 100% सही बताऊंगा, कोई भी फेक नहीं दूंगा। क्या काम आने वाला है पूरा एकदम, मतलब जान के आप हैरान हो जाएंगे। पूरा एकदम A to Z पूरा इंफॉर्मेशन सही देने वाला हूँ। आपने कहीं से भी देखा होगा ये क्या है, इसका काम क्या है, लेकिन मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन डिटेल में बिल्कुल क्या काम आने वाला है। बहुत शानदार ऐप है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं। तो ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इस ऐप को कर दिया ओपन। आप सबने भी इसे इंस्टॉल करके ओपन कर लिया होगा और आपने देखा होगा, लेकिन आपको नहीं पता होगा कि इसका क्या काम आने वाला है। तो ये नाम से ही पता चल रहा है कि जियो रेल यानी रेल से रिलेटेड सारे काम आप इसमें कर पाएंगे। चाहे आप ट्रेन बुकिंग यानी कोई भी सीट बुकिंग कर सकते हैं, या फिर आप ये भी पता कर सकते हैं कि कौन सा ट्रेन कितने बजे है, यानी पूरा डिटेल आप यहां से जान सकते हैं और आप अपना टिकट भी इससे बुक कर सकते हैं। तो यहां पे जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, लेकिन काम का आपका दो ही ऑप्शन है, बुकिंग और PNR स्टेटस। ये इंफॉर्मेशन बेकार है, इस मतलब कुछ मतलब कोई भी काम नहीं आने वाला है। अब बात करते हैं बुकिंग का, कि बुकिंग में आपका क्या काम आ सकता है। तो बुकिंग में जैसे मान लीजिए आपको दिल्ली से बिहार जाना है, दिल्ली से पटना जाना है, तो जैसे मान लीजिए सेलेक्ट फ्रॉम यानी कहाँ से कहाँ जाना है। जैसे मान लीजिए हमने मुंबई सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ कहाँ तक जाना है, जैसे मान लीजिए मैंने दिल्ली कर दिया यानी मुंबई से मुझे दिल्ली जाना है। डेट ऑफ जर्नी जैसे 21 है, तो मान लीजिए हम डेट बदल लेते हैं, जैसे 24 है तो हम 27 तारीख को मुझे जाना है। और यहाँ पे डेट डालने के बाद यहाँ पे आपको चेक पे क्लिक करना है। चेक पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखा देगा कि इस दिन कौन कौन से ट्रेन है, पूरा डिटेल यहाँ पे पता चल जाएगा कि इस तारीख को कौन कौन सा ट्रेन है, कौन कौन सा ट्रेन जाता है, टाइमिंग कितना है, उस ट्रेन में कितना सीट खाली है। अब इसी तरीके से बैक आएंगे तो यहाँ पे है PNR स्टेटस। अब आप कुछ लोग पूछेंगे कि ये क्या है, तो इसके बारे में बता दूँ, जैसे आप कभी भी टिकट बुक करते हैं तो आपको एक टिकट मिलता है, उस पर आपने देखा होगा कि ऊपर में PNR नंबर होता है, 10 अंकों का होता है। तो वो नंबर क्यों दिया जाता है, उसमें आपका पूरा डिटेल होता है। जैसे मान लीजिए आपका टिकट मान लीजिए वेटिंग लिस्ट में है, तो उस PNR नंबर को अगर आप इसमें डालेंगे तो आपको बता देगा यहाँ से कि आपका टिकट का अभी करंट स्टेटस क्या है, यानी मान लीजिए आपका टिकट कंफर्म हुआ है या फिर वेटिंग लिस्ट कम हुआ है या नहीं। जैसे मान लीजिए आज मैंने एक टिकट खरीदा जो कि मेरा अगले महीने का यानी 15 फरवरी का है, और उसमें मान लीजिए बहुत सारा भी वेटिंग लिस्ट है, 100 वेटिंग लिस्ट है, तो उस टिकट को तो आपने खरीद लिया, लेकिन यहाँ पे PNR स्टेटस पे क्लिक करके वहाँ पे जो टिकट में आपको PNR नंबर दिया होगा 10 नंबर का, उस नंबर को आप यहाँ पे डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका टिकट का अभी करंट स्टेटस क्या है, यानी आपका टिकट अभी कंफर्म हुआ है या नहीं। यानी ये ऐप बिल्कुल रेल से रिलेटेड यानी आपको इंडियन रेल से रिलेटेड पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला है कि कैसे टिकट बुक कर सकते हैं, कैसे PNR स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कमाल का ऐप है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट कमेंट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।